हाय दोस्तों, टीना बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपकी मशीन के ऊपर की सिलाई ख़राब आए तो कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक आपके लिए है, जो ऊपर की सिलाई ख़राब अगर आपकी मशीन दे रही है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का बटन दबा दें, जिससे कि आप नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे और मशीन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक मशीन हमारी सिलाई ऊपर की किस तरह दे रही है। एक स्टिचिंग मैं आपको और ला के खाता हूँ प्रूफ के तौर पे, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हमारे ऊपर की स्लैब खराब आ रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे आपको ऊपर की सिलाई किस तरह से खुदरा खुदरा जैसा ख़राब दे रहा है, ये फुला फुला जैसा सिलाई आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले अगर आपके ऊपर की सिलाई ख़राब आए तो मेन रीज़न है वो आपको समझा देता हूँ। वो काम करिए तो आपकी मशीन की सिलाई सही हो जाएगी। तो अगर ऊपर की सिलाई आपकी ख़राब आ रही है तो इसका मतलब आपको ऊपर कुछ नहीं देखना, आपको सीधा नीचे बॉबिन में देखना है। बॉबिन में ही जो भी प्रॉब्लम है, बॉबिन और सेटल में है। तो चलिए हम बॉबिन को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इसका धागा कैसा आ रहा है। तो ये देखिए, धागा कितना लूज़ आ रहा है नीचे से, इसके वजह से ऊपर की सिलाई जो है वो ख़राब हमारी मशीन दे रही है। तो इसको कंफर्म करिए, और मेन यही प्रॉब्लम रहता है अगर ऊपर का धागा ख़राब आती है मशीन में। तो ये देखिए कितना लूज़ आ रहा है, तो इसको हम टाइट करेंगे। यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये देखिए किस तरह गिरते जा रहा है। तो इसका जांच करने का जो तरीका है वो आपको भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये अब सही आ रही है। ये जांच करने का इसका तरीका है, जैसे कि अभी आपके सामने गिर गया था ये बॉबिन, अब ये देखिए बॉबिन परफेक्टली एकदम नहीं गिर रहा है। तो इसको टाइट करके अब हम लगाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे, और उसको हम सिलाई को ऊपर खींचेंगे धागे को। अब देखेंगे कि हमारी मशीन सिलाई कैसी दे रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जो मैंने सिलाई मारा बॉबिन सही करने के बाद, टाइट करने के बाद, तो ये देखिए वो सिलाई है, और बाकी ये सिलाई है जो कितना घटिया सिलाई मशीन दी थी पहले। तो ये देखिए गौर से, ये कितने खूबसूरत सिलाई हमारी मशीन देने के लिए रेडी हो चुका है। तो यही अगर ऊपर का प्रॉब्लम है तो यही सॉल्यूशन अप्लाई करिए, आपका मशीन 100% सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।